गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर पूनम सक्सेना। टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट। नाउ व्हाट इज लेंथ? लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग और शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट इज। लेंथ यानी कि लंबाई हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट है। लॉन्ग यानी कि कितना लंबा है और शॉर्ट यानी कि कितना छोटा है। तो लेंथ यानी कि लंबाई हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु कितनी छोटी है और कितनी लंबी है। व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज द वर्ड्स शॉर्टर लॉन्गर शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। व्हेन वी मेजर जब हम नापते हैं लेंथ को यानी कि जब भी हम लंबाई को नापते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हम कौन से वर्ड्स यूज में लेते हैं? शॉर्टर लॉन्गर शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। यानी कि शॉर्टर मतलब जो ज़्यादा छोटा हो, लॉन्गर जो कि ज़्यादा लंबा हो, शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा हो, लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबा हो। तो जब भी हम किसी भी लेंथ को नापते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हम वर्ड्स यूज़ में दे रहे हैं वो कौन से होने चाहिए? शॉर्टर लॉन्गर शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्टिक एंड दिस इज़ अ पेंसिल, सो विच इज़ लॉन्गर? यस, द स्टिक इज लॉन्गर एंड द पेंसिल इज शॉर्टर। वेल वी इन द अबव एग्जाम्पल कंक्लूड दैट, यानी कि हम इस ऊपर के एग्जाम्पल से ये परामर्श निकालते हैं कि जो स्टिक है यानी कि ये जो लकड़ी है ये लंबी है किससे? पेंसिल से। और जो पेंसिल है वो शॉर्टर है देन द स्टिक, यानी कि पेंसिल लकड़ी से स्टिक से छोटी है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट हाइट। सो व्हाट इज हाइट? हाइट टेल्स अस अबाउट हाउ टॉल और शॉर्ट एन ऑब्जेक्ट इज। हाइट यानी कि ऊंचाई हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लंबा है और कितना छोटा है। जब भी हम हाइट को मेजर करते हैं यानी कि व्हेन वी मेजर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज द वर्ड्स शॉर्टर टॉलर शॉर्टेस्ट एंड टॉलेस्ट। यानी कि जब भी हम किसी भी ऊंचाई को नापते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी ऊंची है तो हम क्या देखते हैं, क्या वर्ड्स यूज में लेते हैं? शॉर्टर यानी कि जो ज़्यादा छोटा हो, टॉलर जो ज़्यादा लंबा हो, शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटा हो, टॉलेस्ट जो सबसे लंबा हो। जैसे कि जब आप खड़े होते हैं अपनी प्रेयर के लिए तो आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी जो मैम है वो आपको हाइट वाइज खड़ा करती हैं। हाइट वाइज यानी कि जो सबसे छोटा है, जो शॉर्टर है वो आगे खड़ा होगा, जो टॉलर है वो पीछे खड़ा होगा लाइन के अंदर। तो ये आपको आपकी लाइफ से दिया हुआ एग्जाम्पल है जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो वाटर बॉटल बनी हुई और एक पेंसिल बनी हुई है। अब ये वाटर बॉटल इस पेंसिल से लंबी है ना बच्चों? तो वाटर बॉटल जो है वो टॉलेस्ट है, ये लंबी है सबसे और ये छोटी है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या कह सकते हैं कि जो वाटर बॉटल है वो टॉलर है देन द पेंसिल, यानी कि वाटर बॉटल पेंसिल से लंबी है। देखिए पेंसिल यहाँ ख़त्म हो रही है, वाटर बॉटल तो और ऊंची है, तो वाटर बॉटल जो है वो पेंसिल से ऊंची है और पेंसिल जो है वो वाटर बॉटल से शॉर्टर है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? अब हम देखेंगे एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमें इस पहले वाले में क्या बताना है कि ये एक क्रेयॉन है, एक आपका मॉम कलर है, ये एक पेन है, ये एक पेंसिल है। अब आपको बताना है इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा लॉन्गेस्ट होगा, जो सबसे लंबा होगा उसे यहाँ लिखना है, शॉर्टेस्ट जो इन तीनों में से सबसे छोटा होगा उसे यहाँ लिखना है आपको।
दूसरा क्या है कि आपको पिन, ड्रम स्टिक और चॉक, इन तीनों चीजों में से बताना है कि कौन सी सबसे लंबी है और कौन सी सबसे छोटी है। तीसरे में हमें हमारे पास है कॉम्ब यानी कि कंघा, ये एक टूथब्रश और ये एक पिन है, सेफ्टी पिन। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से सबसे लंबा कौन सा है और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा कौन सा। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल फाइंड द टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट, विच इज टॉलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट। इन तीनों में से कौन सा सबसे ऊंचा है और कौन सा सबसे छोटा है, इन तीनों में से आपको बताना है, स्केल, पेंसिल एंड क्रियोन। सेकेंड, कॉम्ब, कैंडल, पिन, इन तीनों में से कौन सा सबसे ऊंचा है और कौन सा सबसे छोटा है, इन तीनों में से ये आपको लिखना है, जो सबसे ऊंचा है वो टॉलेस्ट में और जो सबसे छोटा है वो शॉर्टेस्ट में लिखना है। थर्ड क्या कहता है कि इन तीनों में से स्केल, क्रेयॉन, कॉम्ब, इन तीनों में से कौन सा सबसे लंबा है यानी कि कौन सा टॉलेस्ट है और कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है, कौन सा सबसे छोटा है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।